हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 स्कोडा कुशाक। स्कोडा कुशाक 2022 के अंदर अभी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है इनका नया एनिवर्सरी एडिशन, जो कि बेस्ड है इसके स्टाइल 1.0 मैनुअल वेरिएंट के ऊपर। एंड उस वेरिएंट की अगर प्राइस की बात करें तो उसका एक शोरूम प्राइस है 15.29 लाख रुपीज़, और इस एनिवर्सरी एडिशन का प्राइस कहीं ना कहीं हो सकता है 15.50 लाख रुपीज़ तक। बाकी जैसी कार ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्राइस ऐड कर दूंगा। क्या क्या चेंजेस इस कार में किए गए हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में उन सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजन स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ इसके। यहाँ पर जो आपके इसमें 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, वो प्रोड्यूस करता है 113 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क, और 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आपको ये मिलता है। बाकी इसके अंदर आपके यहाँ पे 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको 6-speed मैनुअल और 7-speed DSG गियर बॉक्स के साथ दिया जाता है। 3 वेरिएंट्स के अंदर आता है ये वाला इंजन, जो कि है एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। ये वाला आप वेरिएंट जो देख रहे हैं एनिवर्सरी एडिशन है, जो कि बेस्ड है इसके स्टाइल वेरिएंट के ऊपर। रिसेंटली इस कार का ग्लोबल एंड कैप में भी क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसके अंदर कि इस कार ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कोर किया है। इस कार ने 5 out of 5 stars स्कोर किए हैं ग्लोबल एंड कैप टेस्ट के अंदर, एडल्ट और चाइल्ड दोनों की ही सेफ्टी के अंदर, जो कि ना एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है स्कोडा और फॉक्सवैगन ग्रुप के लिए। मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है कार, एंड अब 5 स्टार के साथ ना ये और भी ज़्यादा सेल्स अपनी बढ़ाने वाली है। इसके अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। ऊपर आप स्कोडा का लोगो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि आते हैं LED DRL साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे आपको यहाँ पे फॉग लाइट मिलती है, जो कि आती है हेलोजन के अंदर ही। एंड ओवरऑल कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक देखने को मिल जाता है। एंड इसके और नॉर्मल वाले स्टाइल वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट से कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। साइड की अगर बात करें तो यह नॉर्मल स्टाइल वेरिएंट का साइड प्रोफाइल का लुक, और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इस एनिवर्सरी एडिशन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्रोम इंसर्ट्स अब एड ऑन हो चुके हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर इसमें स्कोडा की बैजिंग के साथ इसके डोर प्रोटेक्शन गार्ड्स भी इसमें मिल जाते हैं इस एनिवर्सरी एडिशन के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनिवर्सरी एडिशन की बैजिंग भी मिल जा रही है इस पर्टिकुलर कार के अंदर, जो कि आपको वहाँ पे नॉर्मल वाली के अंदर नहीं ऑफर की जाती है। रूफ की अगर बात करें तो सनरूफ आपको यहाँ मिल जाएगी, रूफ रिल्स आपको मिलती है, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर इसमें मिलता है। पीछे आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाएगा, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, आपको तीनों चीज़ें ही दी गई हैं। और ना इस वाइट कलर के अलावा एक और कलर भी यहाँ पर खड़ा है, जो कि है इसका ग्रे कलर। और साइड प्रोफाइल से ना मेरे को पर्सनली ये कलर ज़्यादा उससे बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिवर्सरी एडिशन की इसकी पूरी बैजिंग, जो कि आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के ऊपर दी जा रही है। उसके अंदर आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल रही थी, वाइट कलर के अंदर। बाकी इसके अगर व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें मिल जाते हैं 17 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि आते हैं 205/55R17 सेक्शन टायर्स के साथ। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर इस पर दी जाती है। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा इसमें मिल जाता है। फुल बॉडी क्लैडिंग यहाँ पर आपको इस पर दी जा रही है। स्कोडा की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फेंडर लाइनिंग के ऊपर। साइड टर्न इंडिकेटर आपके यहाँ पर इसके ओवरवीएम के ऊपर ही दिया गया, जिससे कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। क्रोम विंडो लाइनिंग आपको यहाँ पर इस पर पूरी मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल भी आपको यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है। लिक्विड सेंसर भी आपको यहाँ पर इसके ऊपर मिल जाएगा। एंड ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर पूरा मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए व्हाइट कलर की फिल्म इसके ऊपर चढ़ाई गई है। सनरूफ आपको यहाँ पर इसमें मिल ही जाती है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं क्रोम इंसर्ट भी, जो कि इस स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन के अंदर ही आपको मिलेंगे। नॉर्मल वाली के अंदर आपको ये चीज़ साइड में नहीं मिलती है। और अगर बात करते हैं बैक प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर आपके इसमें कुछ इस तरह की इसकी LED टेल लैंप्स ऑफर की जाती है। नीचे आपको मिल जाती है कुशाक की बैजिंग, स्कोडा बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। बाकी क्रोम लाइनिंग आपको एक यहाँ पर इसमें दी जा रही है। नीचे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स भी इसमें मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल बैक साइड लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा इसमें देखने को मिलने वाला है। और ना एक बार चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स को भी। और अब कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की कीज मिल जाती है, जो कि आती है लॉक, अनलॉक और टेलगेट ओपनर के बटन के साथ। फ्लिप की आपको यहाँ पर इस पर दी जा रही है, बट इसका कोई यहाँ पे मेन यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस कार में मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, जो कि आपको यहाँ पर इसमें मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको सेम पहले की तरह ही पुराने टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें अब ऑफर किया जा रहा है। मतलब टॉप एंड वेरिएंट वैसे आपको स्टाइल में डिजिटल मिल जाता है, इसके अंदर आपको एनिवर्सरी एडिशन के अंदर पहले की तरह नॉर्मल वाला दे दिया है। एनालॉग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपको मिडल वेरियंट के अंदर इस कार में ऑफर किया जा रहा है। स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में आपको ये मिल जाता है। बाकी लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पर आपको इसमें कंट्रोल्स वगैरह इसमें सभी के सभी मिल जाते हैं। मीडिया कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। पीछे आपको यहाँ पर इसमें दिया गया वाइपर, क्लिक टॉगल और
साइड पर आपको मिलता है हेडलैम्प के लिए टॉगल, और साथ ही यहीं पर आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। एंड अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर आपको मिलता है हेडलैम्प का टॉगल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर इसमें दिए जा रहे हैं। साथ आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर भी, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स दिए जा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कार का कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा ओवरऑल बढ़िया लगता है। सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है एक 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफी सारे फीचर्स के साथ। इसके अंदर आपको यहाँ पे AM/FM ब्लूटूथ USB एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे सब कुछ मिल जाता है। बाकी अब जो आपको स्टाइल वेरियंट मिल रहा है ना, उसके अंदर आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पर अब आपको पहले की तरह फिर से 10 इंचेस की दे दी गई है इस पर्टिकुलर एनिवर्सरी एडिशन के अंदर। बाकी इनबिल्ट नेविगेशन भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले आपको ये मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, जिसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है आपकी MID स्क्रीन के अंदर ही। बाकी नीचे आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स के नीचे आपको यहाँ पर इसमें दिए गए हजार्ड लाइट का स्विच, साथ ही मिलता है कार को लॉक या अनलॉक करने का स्विच। फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाती है, कुछ इस तरह की आपको यहाँ सीट्स इसमें दी जा रही हैं। और ना पहले आपको यहाँ पे ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच मिलता था, जो कि यहाँ से अब हटा दिया गया। बाकी AC कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। एंड टच बेस कंट्रोल्स आपके यहाँ मिलते हैं। USB टाइप सी पोर्ट्स आपके यहाँ मिलता है। वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वॉट्स का पावर सॉकेट दिया गया। 6-speed के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये कार आ रही है। बाकी ऑटोमेटिक के अंदर भी एनिवर्सरी एडिशन आ सकता है। और ना इसमें रिवर्स गियर लगाने पर आपको मिलेगा आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले, जो कि कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। साथ ही आप सुन सकते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की भी साउंड। बाकी पीछे आपको यहाँ पर इसमें स्टोरेज स्पेस मिलती है, बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक दी गई है, आर्म रेस्ट आपके यहाँ इसमें मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस के साथ ही आता है। सीट्स आपके यहाँ पर इस कार में कुछ ऐसी इसकी कंप्लीट देखने को मिलती है, ब्लैक एंड ग्रे स्टोन में आपके यहाँ सीट्स मिलती है, जो कि आती है ऑरेंज स्टिचिंग के साथ। परफोरेशन वेंटिलेशन आपके यहाँ सब कुछ इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिशिंग आर्म रेस्ट पे दी जा रही है। क्रोम डोर हैंडल मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स मिलता है, स्कॉडा की बैचिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपके यहाँ पर इसमें कुछ इतने साइज का मिल जाता है, कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर इसमें ऑफर किया जा रहा है। सेफ्टी में आपको यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, फ्रंट 2 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 आपके यहाँ सीट्स पे मिलते हैं, 2 आपके यहाँ पिलर पर भी एयरबैग इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। ऊपर साइड आपके यहाँ सनसीट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सेंटर में दिया गया ऑटो डिमिंग IRVM, 2 रूफ लाइट्स मिलती है जो कि LED के अंदर। इस साइड आपको यहाँ पर सनसीट के अंदर टिकट होल्डर मिलता है, सनरूफ भी आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कुछ इतने साइज की आपके यहाँ सनरूफ मिलती है। एंड वन टच ओपन एंड वन टच क्लोज फंक्शन के साथ आपके यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर सनरूफ मिल जाएगी। और अब चलते इसकी बैक सीट में, चलकर चेक करते हैं इसका बैक सीट कंफर्ट भी दिया गया है। इस कार का बैक डोर, जो कि आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है ड्यूअल टोन ब्लैक एंड बेज कलर के अंदर, पूरा सीट्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की दी जा रही है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर इसमें मिलता है, कुछ ऐसी आपको यहाँ सीट्स इसकी कंप्लीट मिल जाती है। आइसोफिक्स सीट माउंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, रियर AC वेंट्स भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी इसमें मिलते हैं। बाकी डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा इसमें कंप्लीट देखने को मिल जाता है। स्पेस की अगर बात की जाए तो गाइस, मेरी हाइट 6 फीट है एंड जो फ्रंट सीट है वो मेरी नॉर्मल सिटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। और फिर मेरे को इस कार के अंदर काफी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। एंड यहाँ पे भी आपको इसमें 2 रूफ लाइट्स मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे LED में ही दी जा रही हैं। बाकी ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे कुछ ऐसे इसमें मिलेगा। एंड अब एक बार चलते कार के बाहर एंड चलकर चेक कर लेते हैं इसका बूट एरिया। तो गाइस, इस कार के टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके इसका आप टेलगेट ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ इतना इसमें बूट एरिया ओवरऑल मिल जाता है। रियर सीट्स आप यहाँ पे 60-40 स्प्लिट वे में फोल्ड कर सकते हैं। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर इसमें दी जा रही है। यहाँ पे आपको बूट लाइट मिलती है, फर्स्ट एड किट आप देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर इसमें सब वूफर भी ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। पहले इसको हटा दिया गया था नॉर्मल वेरियंट से, अब इसे फिर से ला दिया गया है इस एनिवर्सरी एडिशन के अंदर। बाकी ना इसको आप यहाँ पे ऐसे कुछ इसमें सेट कर सकते हैं, कुछ इतनी आपको यहाँ पे जगह इसमें ओवरऑल मिल जाती है। बाकी अब बंद करते हैं इसे एंड बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस, इस पर्टिकुलर कार स्कॉडा कुशाक 1.0 लीटर स्टाइल एनिवर्सरी एडिशन वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस कहीं ना कहीं होने वाला है 15.50 लाख रुपीज़ के आसपास, और ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ में पड़ेगी 17.25 लाख रुपीज़ की। एंड 1.0 लीटर की क्या पहचान है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके नीचे ना आपको यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ही साइलेंसर टिप मिलेगी 1.0 वाले इंजन के अंदर। 1.5 के अंदर आपको ड्यूअल टिप्स मिल जाती हैं, तो ये 1.0 वाला ही आप देख रहे हैं एनिवर्सरी एडिशन में। बाकी इसके अंदर जो जो चेंजेस है ना, वो मेरे को पर्सनली इतने कोई खास नहीं लगे। यहाँ पे जो MID स्क्रीन है वो पुराने टाइप वाली दे दी है, पहले आपको यहाँ पे फुली डिजिटल मिलती है नॉर्मल वाले वेरिएंट के अंदर। स्क्रीन के अंदर बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट जरूर से इस कार के अंदर। यहाँ पे आपको 8 इंचेस की दी जा रही है नॉर्मल वाले वेरियंट के अंदर, आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको 10 इंचेस की दे दी गई है। बाकी यही थी गाइस कंप्लीट वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। Please share it with your friends and family. And guys, if you like this video, please do hit the like button and also subscribe to my YouTube channel. Thank you and have a nice day.